आज हम इस तरीके से बैग बनाना सीखेंगे। फ्रंट साइड, बैक साइड, बैक साइड में भी हमने यहाँ पे इसके दो छोटी पॉकेट्स दी हैं। फ्रंट में भी हमने दो पॉकेट्स दी हैं, जैसे मोबाइल वगैरह रखने के लिए इस तरीके से, देखिए मोबाइल रख सकते हैं, अपनी डायरी वगैरह रखनी है वो रख सकते हैं। यहाँ पे जिपर ओपनिंग के साथ है, यहाँ पे स्ट्रैप्स हैं। साइड्स, बॉटम बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे बनाया है। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके से दो कपड़े के क्विल्टेड पीस लिए हैं मैंने। ऊपर कपड़ा है, नीचे फॉर्म शीट, रबर शीट, बुकरम, जो आप डालना चाहते हैं उसके बीच में वो शीट डालनी है, और नीचे लाइनिंग, और उसके चारों तरफ सिलाई लगाई हुई है। तो इस तरीके से दो पीसेस मैंने लिए हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 12x12 इंच के दो स्क्वेयर पीसेज हैं। सबसे पहले हम इसे शेप देते हैं। तो इसे सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड किया मैंने, फोल्ड करना है। उसके बाद आपको लेना है 2 इंच पे आपको निशान लगाना है, यहां से ऊपर से लेके 2 इंच पे निशान लगाया, इसे सीधा स्ट्रेट मिला दीजिए। ये मैंने इसे सीधा स्ट्रेट मिला दिया, यहां से 2 इंच लेके सीधा स्ट्रेट मिला दिया। 3 इंच यहां से अंदर की तरफ 3 इंच लेते हुए मैंने यहां पे निशान लगाया, यहां से 3 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद यहां से नीचे आपको लेना है 5 इंच पे निशान लगाया, इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया इस तरीके से, और यहां इस निशान से नीचे की तरफ गोलाई दे दीजिए। इस तरीके से ये देखिए, तो हमारी ये बैक की शेप आ जाएगी। इसी शेप में इसे कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये मैंने कटिंग कर ली। तो जब हम इसे खोलेंगे देखिए इस तरीके से हमारी ये शेप आएगी। तो जैसे शेप इसमें दिया है वैसे ही सेम ये वाला पीस इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ये मैंने रखा और इस पे निशान लगा के हम इसे भी कट कर लेंगे। इस पे निशान लगा लीजिए, तो ये हमारे दोनों कट हो गए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए हम कटिंग करेंगे, एक पॉकेट फ्रंट पे और एक पॉकेट हम बैक पे लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए कपड़े के इस तरीके से 2 पीसेस लिए हैं मैंने। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको, विड्थ है सेम 12 इंच, जो हमने विड्थ इसके बराबर ली थी, और इसकी लंबाई हमने ली है 7 इंच। अब आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ से एक तरफ से इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कीजिए, इस पे सिलाई लगा लीजिए, इस पे और इस पे। ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने इस पे सिलाई लगा ली, इस पे भी और इस पे भी। अब आपको क्या करना है, ये पॉकेट ली, इसे यहाँ पे रखना है इसके ऊपर इस तरीके से, यहाँ नीचे की तरफ से मिलाते हुए बराबर रखते हुए। इस तरीके से इसे पलट दीजिए, ये जो एक्स्ट्रा है इसी शेप में कट कर लीजिए। इस तरीके से एक्स्ट्रा मैंने सारा कट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए 1, और एक सिलाई यहाँ सेंटर में लगा लीजिए 2, और जैसे ये लगाई है वैसे ही सेम ये वाली पॉकेट इस पे लगा लीजिए। पॉकेट लगा दी, एक सिलाई यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 1 और 2 दो पॉकेट्स मेरी यहाँ बन गई, दो पॉकेट्स मैंने इसमें बना दिए। तो फ्रंट और बैक मेरा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम स्ट्रैप बनाते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरीके से कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया है 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 22 इंच। सबसे पहले स्ट्रैप को फोल्ड करके रेडी कर लीजिए, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड।
इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई लगा ली। देखिए ये दोनों स्ट्रैप मैंने रेडी कर लिए। अब एक स्ट्रैप को फ्रंट के साथ और एक स्ट्रैप को बैक के साथ ज्वाइन कर लीजिए। इसे यहाँ से नीचे से फोल्ड किया, इस कट से नीचे रखना है आपको इस तरीके से, और एक स्ट्रैप को आपको यहाँ पे रखना है ऐसे। एक स्ट्रैप इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए और एक स्ट्रैप उसके साथ ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों मैंने स्ट्रैप लगा दी, एक स्ट्रैप इसके साथ एक स्ट्रैप इसके साथ। अब हमें क्या करना है, अब हम जिप लगाते हैं। तो इस तरीके से एक पीस लिया, इस तरीके से जिपर ली, इस साइज की हमें जिप चाहिए, इसे इसके ऊपर रखना है, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली। अब इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच ले, यहां तक मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम इसे दूसरे पे लगाते हैं। तो ये दूसरा वाला पीस लिया, जिप को ऐसे रखना है इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा दी। इसे भी पलट के इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, स्टिच लगा लिया। तो जिप फ्रंट और बैक के बीच में हमारी इस तरीके से अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साइड के लिए जोड़नी है, एक पट्टी जोड़नी है साइड में। तो इस तरीके से देखिए मैंने कपड़े का फैब्रिक लिया है, ये मैंने लिया है 4 इंच इसकी विड्थ है, और इसकी लंबाई मैंने ली है 24.5 इंच। तो अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पे रखनी है इस तरीके से जहाँ हमने जिप लगाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और दूसरे एंड को इस एंड पे। तो यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो मैंने पट्टी ली थी, एक इस तरफ जोड़ लिया और एक इस तरफ ज्वाइन कर लिया। अब ये जो रफ एजेस हैं, इसे इस तरीके से प्लेन पट्टी ली है मैंने, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ, इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों रफ एजेस फिनिश कर ली, रफ एजेस को मैंने पट्टी से फिनिश कर दिया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब आपको क्या करना है, आपको दो सिलाइयां लगानी है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट इसे इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे करना है, ये देखिए ये ऐसे है, इसे ऐसे करना है, इस कट को इस कट से मिलाना है, और इसे राउंड में घुमाते हुए पूरा आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। राउंड में पूरा मैंने घुमा लिया और इसे इस कट को भी इस कट से मिला लिया, इस तरीके से ये मैंने मिला लिया। इस तरीके से अब आपको सिलाई लगानी है, यहां से लेके इस कट से शुरू करना है, सिलाई लगाते हुए पूरा सिलाई लगाते हुए इस वाले कट तक आपको सिलाई लगानी है ऐसे हमारा। तो हमें यहां से कट से सिलाई लगानी शुरू करनी है, इस कट को पकड़ना है इस तरीके से, ये देखिए इस कट को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया जैसे आपको बताया था, और इस पे पूरे पे हम गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने पूरा इस पे सिलाई लगा ली, यहाँ से शुरू किया और पूरे राउंड पे सिलाई लगा ली। जैसे ये सिलाई लगाई है वैसे ही दूसरी सिलाई भी लगानी है। ये देखिए ये जो दूसरा हमारा इस तरीके से है, यहाँ पे कट है, इस कट को आपको इसी तरीके से पकड़ लेना है और इसे पूरा राउंड में घुमाते हुए पूरा राउंड पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे। स्ट्रैप को अंदर किया, इस कट को पकड़ लिया और इस पे पूरे पे हम राउंड पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने साइड पूरी इसके साथ ज्वाइन कर ली, एक सिलाई इस तरफ लगा ली, एक दूसरी तरफ। अब ये जो रफ एजेस हैं, इसे भी जैसे हमने ये पाइपिंग से फिनिश किया है ऐसे ही एक पाइपिंग यहाँ लगा लीजिए इस तरफ, और एक पूरी राउंड पे लगा लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। रफ एजेस को मैंने इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दिया, तो प्रॉपरली फिनिश हो गया। यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए, ये देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से आएगा। फ्रंट साइड यहाँ पे दो पॉकेट हैं, मोबाइल वगैरह भी, देखिए मोबाइल वगैरह इजीली रख सकते हैं यहाँ पे, डायरी वगैरह रखना चाहे इस तरीके से। बैक साइड विद स्ट्रैप, बॉटम साइड्स को अपर में जिपर। तो इस तरीके से हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल
रेडी हो गया है।